हेलो नमस्ते राम राम दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉर्न टू बी पहाड़ी और मैं हूं आपका दोस्त रोहित रावत। और दोस्तों मैं आज फिर से स्वागत करता हूं आपका एक नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों आप देख रहे हैं बॉर्न टू बी पहाड़ी और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। उपाध्यक्ष अध्यक्ष वो अलग फलन बना और जो तीन चार आदमी एक ही बन गया जनमिसी अध्यक्ष ना, यो भी अध्यक्ष बन गया और कोई और भी अध्यक्ष बन गया ना, तो वो उनका वोट होनी भैया। और दोस्तों आज के ब्लॉग में मैं फिर से जा रहा हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ने, क्योंकि आज डुग्गी उसके पापा घर पे नहीं है। तो और दिन ये उनके साथ गाड़ी में जाते थे लेकिन आज उसके पापा घर पे नहीं है, कहीं जा रखे हैं, तो मैं इन्हें जा रहा हूँ स्कूल छोड़ने। ये सारे, ये है डुग्गी, इसके पापा ले जाते थे इन्हें स्कूल। ये है अंश टोपी वाला, उसके पीछे सौर्य, उसके पीछे गुंजन, और ये रही हमारी इसी, ये मेरी बेटी, ये हमारे भैया की लड़की है, तो इसका मैं चाचा, बाकी लोग सारे मेरे छोटे भाई हैं। आराम से लेते यहाँ पर। और कल दोस्तों इसी पे टीका लगाया तो इसकी कुछ आज तबीयत ठीक नहीं है, या इसके बहाने चल रहे हैं स्कूल ना जाने के। दोस्तों मेरे पीछे ये जो तीनों बच्चे आपको दिख रहे हैं, ये तीनों बहुत ही बिगड़े बच्चे हैं और सारा दिन उल्टे काम करते रहते हैं घर पे, कभी ऊपर कभी नीचे दौड़ भाग करते रहते हैं। तो आज इनसे जानते हैं इन्हें स्कूल जाना कैसा लगता है और पढ़ाई में इनका इंटरेस्ट है कि नहीं। आज से बुनिया यार तो दोस्तों अब आपका इनके साथ कुछ परिचय कराते हैं। तो मेरा नाम वंश रावत है और मेरे गांव का नाम पांथर है। तो मेरा नाम है अंश रावत, मेरे गांव का नाम है पांथर, मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ और मैं 10 साल का हूँ और बस हो गया कल कल्याण। और दोस्तों इनका स्कूल लगेगा 9:30 और अभी टाइम हो गया 8:15, तो आज ये पैदल जा रहे हैं इसलिए थोड़ा जल्दी आ गए। और स्कूल भी थोड़ा दूर है इनका, 700-800 मीटर की दूरी पे है नौखाल मार्केट, तो वहीं इनका स्कूल है, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते हैं ये सारे। तो आज इन्हें छोड़ने मैं जा रहा हूँ इनके स्कूल तक। और दोस्तों पहले इनकी स्कूल जो सरस्वती शिशु मंदिर है वो 5 तक थी, लेकिन अब वो 8 तक हो गई है। तो वहाँ आप अगर अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो वो अब 8 तक हो चुकी है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा बॉर्न टू बी पहाड़ी चैनल। तो इसको अगर अच्छी लगी ये वाली वीडियो तो इसको लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आप इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि नहीं स्कूल जाना अच्छा लगता है कि नहीं, तो एक एक करके इनसे पूछते हैं। मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता है दोस्तों, अब मुझे ड्राइंग करना भी सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरा पसंदीदा काम है ये ड्राइंग करना। तो दोस्तों मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता है और मुझे भी ड्राइंग करनी अच्छी लगती है और खेल कूद में बैट बॉल खेलना अच्छा लगता है। स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है और मुझे ड्राइंग करने भी बहुत अच्छी लगती है, मेरा पसंदीदा खेल है बैट बॉल। बता हमने लॉकडाउन में बहुत मजे किए हैं और अभी हमारे स्कूल खुल चुके हैं, फिर भी हमें कोई दुख नहीं है, फिर भी हम अभी भी बहुत खुश हैं, स्कूल जाने में हमें मजा आता है। और दोस्तों ये आपने सुना सौर्य, तो ये बहुत अच्छा लड़का है और इसे पढ़ाई करने में बहुत आनंद आता है। और दोस्तों बस हम पहुंचने वाले हैं नौखाल मार्केट और उसके बाद इनकी स्कूल 5-10 कदम नीचे है, तो बस हम पहुंचने वाले हैं। दोस्तों बस हम पहुंचने वाले हैं नौखाल मार्केट। और दोस्तों पहुंच चुके हैं हम नौखाल मार्केट। स्कूल तक छोड़े नाश्ते। और दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं इनकी स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर आगे और इन्हें इनके दोस्त मिल चुके हैं। आ गए
ले इसी बस्ता तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं सरस्वती शिशु मंदिर जो डुग्गी लोगों का स्कूल है। तो बहुत सारे बच्चे हैं इस स्कूल में। अब क्या मिल गया क्या बस्ता? तो दोस्तों आज एक बार फिर मैं गया था बच्चों को स्कूल छोड़ने और उन्हें देख के अपने बचपन के दिन याद आने लगते हैं जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे और स्कूल जाते थे और मन कभी नहीं होता था स्कूल जाने का लेकिन मजबूरी में जाना पड़ता था। लेकिन वो दिन आज याद आते हैं, जो दिन हमें तब बुरे लगते थे वो आज याद आते हैं और उन्हें याद करके बड़ी दुख महसूस होता है और ख़ुशी भी आती है। तो दोस्तों उन दिनों को देख के दुख इसलिए महसूस होता है क्योंकि अभी वो दिन लौट के नहीं आएंगे, इसलिए थोड़ा सा दुख होता है कि वो दिन वापस नहीं आएंगे। और खुशी इस बात से होती है कि जब पुरानी यादें आती हैं कि कभी हमने कुछ मस्ती की हुई हो स्कूल में तो वो दिन याद आते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया सरस्वती शिशु मंदिर और वहाँ के बच्चे और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे चैनल से रिलेटेड वीडियो की अपडेट मिलती रहे।